इंदौर शहर के अति संवेदनशील इलाके जिंसी में सुबह बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलने लगे। बाजार में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करती गई। मारपीट और पथराव में दोनों तरफ से 6 लोग घायल हो गए। बीच बाजार में पथराव की सूचना पर आसपास के थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। बाजार में तनाव जैसी स्थिति बन गई। दोनों तरफ के लोगों को पकड़कर मामले को शांत कराया। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के जिंसी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दो परिवारों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव कर दिया। दरअसल जिंसी इलाके में रहने वाले जलालुद्दीन और उनके भतीजे कमरुद्दीन के बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इसके कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद मल्हारगंज पुलिस और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। एक पक्ष ने तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को अभी थाने ले जाया गया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। नियंत्रण में पत्थरबाजी में कुछ गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है। हमारे घर पे कौन लोग है वो? ये इल्मुद्दीन, अजीतमुद्दीन, बाबू पहलवान और अपने कलीमुद्दीन और अपने बाबू अमीरुद्दीन, अक्कू, टीपू, फिरोज, साजिद, इन लोगों ने, इमामू, इन लोगों ने हमारे ऊपर पथराव करा। महीनू इसलिए करा बस, ये कुछ दिन बहुत पहले का विवाद था ये सब। किसके ऊपर हमला हुआ था पिछले बार? पिछली बार भी हमारे ऊपर ही करा था, इस बार भी हमारे ऊपर करा। देखो ना, सब लगी इधर देखो। पड़ोसी है तुम्हारे? हैं पड़ोसी है जी? वो पड़ोसी के क्या है, पड़ोसी है वो तो। तुम्हारा क्या नाम है? शेख रहीम। रिश्तेदार है, परिवार नहीं है, गाँव मेरा है, अपनी लाइन अलग है। मेरा नाम है इल्मुद्दीन। मैं मेरे घर के अंदर मुँह हाथ धो रहा था। सलीम, अजीज और जमालुद्दीन और फज्जू, ये लोहे की राड लेके आए, इन्होंने मेरे सर पे हमला कर दिया। और अजीमुद्दीन, अचानक मैं घर में मुँह हाथ धो रहा था सुबह। ये पुराना विवाद बच्चों का इनका चल रहा था। मेरी भाई की वाइफ को मारा था उन्होंने, वो उस विवाद में चल रहा था। इन्होंने आगे डराया कि तुम्हारी रिपोर्ट हटाओ नहीं तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। तो इन्होंने इस तरह से मेरे पे हमला कर दिया। और ये आदतन बदमाश शहर की फिजा खराब करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इल्मुद्दीन, बारा मल्हारगंज। पथराव किसने करा था? पथराव उधर उन्होंने छोटे वाले भाई पे करा था, इन लोगों ने करा था। और ये ऊपर से हमारे पास आ गए, हमारी एक ही दीवार है और राड से हमला कर दिया। मैं मुंह धो रहा था को लेके, बच्चा कोई नीचे उतर गया था, उसी बात पे दोनों आपस में चाचा ताया के परिवार हैं। एक जमालुद्दीन अजीमुद्दीन है, दूसरी तरफ इमुद्दीन है। तो इनका परिवार बच्चों को लेके लड़ाई हो गई थी उस बार भी, कायमी करके दोनों पक्षों का 107-16 कर दिया गया था। आज फिर उसी बात को लेके आपस में इनमें झगड़ा हो गया है, एक दूसरे को चोटें आई हैं, रिपोर्ट लिखी जा रही है। अभी एक पक्ष से 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। सर, विवाद का कारण क्या है? पुराना विवाद बताया ना, पोता बच्चा एक बार नीचे आ गया था तो दूसरा पक्ष जो है उसने उसको डांट डूंट दिया था। वो बच्चा 8-10 साल का है। उसी बात से दोनों पक्ष आपस में परिवार के ही हैं, चाचा ताया के सभी लोग। उसी बात को लेके बच्चों को लेके विवाद हुआ। महिलाएं आपस में लड़ी, फिर पुरुष आपस में लड़ने लगे। दूसरे पक्ष का ऐसा कहना है कि 7,000 रुपये हफ्ता मांगे जा रहा था किसी बात को लेकर, उसी बात को लेकर विवाद हुआ। नहीं नहीं, हफ्ता किस बात का? परिवार चाचा ताया में किस बात का हफ्ता रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुकदमा दर्ज हो गया सर? कायमी हो रही है। हाँ, ऑटो माटो जो ये बाद में दूसरे पक्ष से आए होंगे तो उसमें ही पत्थरबाजी करके ऑटो उनका फोड़ दिया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।